हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। प्रदेश में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण पिछले चार दिनों में अब तक 74 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोगों को रेस्क्यू किया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और आप देख रहे हैं TV9 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर। राज्य सरकार को बारिश के चलते करीब 1700 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। शिमला पर लगातार लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। भारी बारिश और भूस्खलन से राज्य के कई जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। लैंडस्लाइड वाले इलाकों में NDRF की टीम लगातार मुस्तैद है, वो राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। बता दें कि जून से अभी तक अगर बात करें तो प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण 330 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें, हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण लैंडस्लाइड की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि आज से अगले 3 दिन तक राज्य में भारी बारिश हो सकती है। इसके लिए IMD ने हिमाचल के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें, हिमाचल में शुक्रवार को 65 मकान ढह गए थे और 271 क्षतिग्रस्त हुए थे। 875 सड़कें फिलहाल बंद हैं और कई गाँव में बिजली गुल है। हिमाचल प्रदेश में भी जोशीमठ जैसा खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश में 17,000 जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। इसमें से 1,357 जगह तो शिमला में ही मौजूद हैं। भारी बारिश में मिट्टी लगातार फूल रही है, जिसके चलते सड़क और मकान धंसने लगे हैं। इसी साल जनवरी महीने में उत्तराखंड के जोशीमठ में घरों, सड़कों और होटलों में आई दरारों से लोगों को बेघर होना पड़ा। अभी तक लोग शरणार्थी बनकर राहत कैंपों में गुजर बसर कर रहे हैं। जोशीमठ में भी अवैध तरीके से हो रहे कंस्ट्रक्शन को इसके लिए जिम्मेदार बताया गया था, और अब हिमाचल में हो रहे अवैध कंस्ट्रक्शन को आपदा का जिम्मेदार ठहराया गया है। पिछले जो लास्ट का मानसून, इस बार बहुत मैंने अपने जीवन में इतनी मानसून और ऐसा बरसात और इतना आपदा की स्थिति नहीं देखी। और जो समर हिल में हादसा हुआ, उसको भी लेकर के आज एक मौत और हुई है, 15 मौतें वहाँ हुई है। और जो अभी तक हमने प्राइवेट मकान भी, और कृष्णानगर में लगभग 10 से 15 फैमिलीज़ हैं, उनको हमने खाली करवाया और कम्युनिटी सेंटर में उनको ठहराया, और जहाँ पर उनके खाने के और रहने की व्यवस्था की गई है। और संस्कृत कॉलेज में जो डाउनडेल एरिया आता है, वहाँ पर भी कुछ लोगों को वहाँ पर भी रखा है। और इसके अलावा जो प्राइवेट मकान है, बहुत जगह ऐसे भी है, जो कल मैं चीफ सेक्रेटरी के साथ भी मैं बैठा था, वहाँ उनके साथ भी मैंने बैठक की है, और उनको लगभग शिमला के 7 से 8 जगह मैंने घुमाया भी है, जो उन्होंने अपने आप भी स्वयं भी देखा। और दूसरा, जहाँ डेंजरस ट्रीज़ हैं उनको भी हमने विज़िट किया है, चाहे रिच माउंट था, एडवांस स्टडीज़ भी मैं आज गया था, जहाँ पर कोई ऐसी अफवाह थी कि उसको वहाँ डेंजर जोन में है, लेकिन एडवांस स्टडी हमारे देश का नहीं, शिमला का नहीं, पूरे देश का एक बहुत बड़ा संस्थान है, और ईश्वर की कृपा से और सब कुछ ठीक है वहाँ पे। जो कुछ क्लाउड बस्ट हुआ था उस टाइम से, थोड़ा सा साइड से उसमें थोड़ा नुकसान उस सॉइल इरोजन हुआ है, बाकी वो इंस्टीट्यूशन बिल्कुल सेफ है। भारी बारिश और भूस्खलन से राज्य के कई जिले प्रभावित हुए हैं, मगर शिमला पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें, शिमला में ही भूस्खलन के कारण 21 लोगों की मौत हुई है, और समर हिल में 14, फागली में 5 और कृष्णानगर से 2 शव बरामद किए गए हैं। शिव मंदिर के मलबे में भी अभी कुछ लोग दबे होने की आशंका है। आज सुबह ही एक शव को और निकाला गया है।